हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जियास कुकिंग। तो आज मैं बना रही हूँ पेरी पेरी चिकन पराठा रोल, वो भी अपने स्टाइल में। तो चलें रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेंगे चिकन को मैरिनेट, और इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें ये पेरी पेरी सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, साल्ट, लेमन जूस, रेड चिली फ्लेक्स, योगर्ट। और चिकन ब्रेस्ट फ्ले लिया है मैंने 250 ग्राम। और अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके लिए लिया है योगर्ट 1/2 कप, और इसमें शामिल किया है 2 टेबल स्पून पेरी पेरी सॉस। आपके पास जो भी सॉस अवेलेबल है, आपको जो भी पसंद है आप उसमें ऐड कर दें। और इसके साथ ही मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल किया है 1 टेबल स्पून, साल्ट ऐड टू टेस्ट, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून। और आप इसमें तंदूरी मसाला, तिक्का मसाला, जो भी आपको इसका फ्लेवर पसंद है आप इसमें ऐड करें। और ये सारा योगर्ट मिक्सचर इसमें ब्रेस्ट फ्लेम में लगा के इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। और अगर आप लोग चाहें इस ब्रेस्ट फ्ले को बाइट साइज पीसीज में भी काट सकते हैं मैरिनेट करने से पहले। और अब एक पैन को ऑयल से ग्रीस किया है और इसमें शामिल कर दी है मैरिनेटेड चिकन, और इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकाया है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और ये जब पक गई अच्छी तरह तो इसको ठंडा होने के लिए रख दिया, और इसको फिर बाइट साइज पीसेस में काट लिया। और अब मैंने यहाँ पे लिए हैं डॉन के फ्रोज़न पराठे, और अगर आप लोग चाहें तो घर में भी बना के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इनका टेस्ट अच्छा लगता है और ये पकाने में भी ईजी लगते हैं, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही थी। इसके लिए तवे को ऑयल से ग्रीस करेंगे, और इनके ऊपर जो ये प्लास्टिक शीट लगी हुई है इसको उतार के दोनों साइडों से इसको कुक करने के लिए रख देंगे। और इसमें बटर की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं। बस आप इसको दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लें, और जब ये पक जाए तो इसी तरह आप दूसरा भी डाल के पका लें तवे पे। और ये एक पैकेट में 5 पराठे होते हैं, और ये 5 लोग आराम से खा सकते हैं। और ये वीडियो डॉन वालों ने स्पॉन्सर नहीं की। और अब बारी आती है पराठा रोल की असेंबलिंग की, और इसके लिए मैंने पराठे के ऊपर ग्रीन चटनी लगाई, और आप लोग चाहें तो इसमें इमली की चटनी भी यूज़ कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ। और इसमें चिकन ऐड की है, और इसमें आप ऐड किए हैं अनियन रिंग्स और मायोनीज और केचप ऐड की है, और आप लोगों को जो भी फ्लेवर्स पसंद हैं इसमें चटनियों के और केचप वगैरह के आप इसमें ऐड कर लें अपनी मर्ज़ी से। और अब इसे बटर पेपर में लगा के इसको रोल कर लेंगे, और इसको दरमियान से काट लेंगे, और बाकी भी जो हमारे पास रह गए हैं पराठे उनको भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप बना लें। चटनी लगाएं, पहले चिकन ऐड करें, फिर इसमें अनियन रिंग्स वगैरह, फिर आप इसमें मायनेज, केचप, सारी चीज़ें लगाएं, और आप इसको बटर पेपर में लगा के रोल कर लें और दरमियान से काट लें। पेरी पेरी चिकन पराठा रोल तैयार हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और डिफरेंट से टेस्ट के बने थे। आप भी इसे ट्राई करें घर पे और मुझे फ़ीडबैक दें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। और नेक्स्ट रेसिपी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।